महाशिवरात्रि मासिक शिवरात्रि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे सबसे बड़ी शिवरात्रि माना जाता है। जानिए इसके महत्व और महाशिवरात्रि से जुड़ी तमाम पौराणिक कथाओं के बारे में। हर साल फागुन मास की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि मासिक शिवरात्रि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे सबसे बड़ी शिवरात्रि भी माना जाता है। महाशिवरात्रि का महापर्व आज यानी कि 1 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। शिव भक्त इस अवसर पर भगवान भोले को खुश करने के लिए हर तरह से प्रयास करते हैं। यदि आप भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करके आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो शिवरात्रि के अवसर पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। जय जय शिव शंकर। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के अभिसरण का महान पर्व है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के अवसर पर हुआ था, जबकि भगवान शिव पुरुष का प्रतीक है जो कि दिमागीपन है। माँ पार्वती प्रकृति का प्रतीक है जो प्रकृति है। इस चेतना और ऊर्जा का मिलन सृजन को बढ़ावा देता है। यह पर्व जीवन में अंधकार और अज्ञान पर विजय पाने का भी स्मरण कराता है। कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। इस शुभ दिन से कई दिव्य चरित्र जुड़े हुए हैं और उनमें से एक का कहना है कि इस रात को भगवान शिव सृजन संरक्षण और विनाश का अपना लौकिक नृत्य करते हैं। यह स्वर्गीय नृत्य उनके भक्तों के बीच तांडव के रूप में भी जाना जाता है। जनातवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। एक अन्य किंवदंती यह बताती है कि इस रात भगवान शिव से प्रार्थना करने से व्यक्ति को अपने पापों को दूर करने और धार्मिकता के मार्ग पर चलने में मदद मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि भारत के कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार में भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव के भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा करते हैं। लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और मोक्ष की प्रार्थना भी करते हैं। दृक् पंचांग में कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन सुबह की रस्में पूरी करने के बाद भक्तों को संकल्प लेकर पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए और अगले दिन भोजन करना चाहिए। उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के उपवास समाप्त करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। साथ ही शिव पूजा करने या मंदिर जाने से पहले भक्तों को शाम के समय दूसरा स्नान करना चाहिए। भगवान शिव को छोड़कर सारे देवी देवताओं को सिंदूर प्रिय है। मान्यता है कि सिंदूर महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए लगाती हैं और भगवान शिव सहा रंग हैं, इसीलिए भगवान शिव को सिंदूर की बजाय चंदन लगाना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव को कभी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है, इसलिए भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने की भी मनाही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनभावना टाइम्स की ये खास रिपोर्ट।